नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे। जी फ्रेंड, आपसे इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आखिर आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आखिर आप कौन से बुक परचेस कर सकते हैं। आखिर क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर बीकॉम में तुम कौन सी बुक परचेस करें, या बीए में तो क्या लूसेंट की बुक सफिशेंट होनी होगी। तो आखिर कौन सी ऐसी बुक है जिन्हें आप प्रिपेयर करके जिन्हें कि पूरी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को क्रैक करने का तात्पर्य मतलब क्या होता है कि आप मेन कैंपस पहुँचें, कॉलेजेस की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ चैनल से आपको पूरी तरीके से डिवोट किया जा रहा है जैसे आप लोग मेन कैंपस पहुँचें। देखिए, मेन कैंपस ही पहुँचना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। तो आखिर क्या कौन सी बुक परचेज करें, कैसी बुक पढ़ें आप कि आप मेन कैंपस पहुँच पाएँ, तो ये बहुत ही आज वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स मिलती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी अपडेट्स, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोज़ जो आप लोग के लिए बहुत काम की हों वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल साथ देख रहे हैं पहली बार, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं चैनल साथ में तो प्लीज़ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाले समय जो भी हम वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले इसकी सूचनाएं आपको पहुँचती रहे। चलिए बात करते हैं आपसे कि आखिर कौन सी बुक परचेस करें और कैसी बुक होनी चाहिए जैसे आप एंट्रेंस को क्रैक कर पाएंगे। हर एक कोर्स के बारे में बात करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी कोर्सेज को लेकर मैं आपसे बात करने वाले हैं, ध्यान रखिए गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बीए के साथ में स्टार्ट, देखिए सभी को हम बात करें, प्लीज़ और पेशेंस रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी कोर्सेज को लेकर मैं आपसे बात करेंगे। अगर हम पहले बात करें बीए को लेकर, देखिएगा तो अगर मैं बीए की बात करूँ तो पहले बात बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर क्या लूसेंट की बुक आती है, क्या इसे पढ़ लेंगे तो एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा क्या, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि इसको पढ़ लेने से एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। गाइस, मैं आपको इस बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोग को कि लूसेंट की बुक सफिशेंट बिल्कुल नहीं है एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। अगर आप कहीं सोच के चलें कि अगर आप लूसेंट पढ़ लेंगे या लूसेंट की पूरी बुक को आप ग्रैप कर लेंगे, पूरी तरीके से आप उस पूरी बुक को आप मेमोराइज़ कर लेंगे तो आप एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लूसेंट की बुक्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग, आप इससे क्रैक नहीं कर पाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को, ठीक है। अब ऐसा आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि मैं बताऊँ, देखिए है क्या कि आपका चयन आता है कॉमर्स, लास्ट बहुत सारे वर्षों से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, क्या आता है क्या नहीं आता सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि लूसेंट की बुक इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। बाकी अगर आप इस लूसेंट की बुक का पढ़ें तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी आपकी होगी, थोड़ा सा बिल्टअप होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीए। बीए के सफिशिएंट नहीं होगा अगर आप इसको सिर्फ पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो ठीक है। तो सर क्या बुक पढ़ा जाए कि आप एंट्रेंस को क्रैक कर पाएंगे, अगर मैं बीए की बात कहूँ तो, देखा ऐसा नहीं किएगा। हालांकि देखिए, आप होता है कहना कि आप उन बुक्स, इन बुक्स को लूसेंट हो गया या डी के कुमार की बुक हो गई, डी कुमार की, तो आप इन बुक्स से थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाता है कि आखिर प्रश्न क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको गाइड, ये बुक्स थोड़ी सी आपको गाइड करेंगी बीए में कि आखिर बुक्स क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी ये बुक्स आपको हेल्प गाइड कर सकती हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ूँ और मैं उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्टूडेंट हैं जो बीए की तैयारी करना चाहते हैं और एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, तो गाइस ये क्लासेस चल रही हैं, एक नया बैच ओपन हुआ है अपने कुछ दिन पहले, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कम्प्लीट इंटायर कोर्स, पूरा सिलेबस, देखिए इस समय समय कम बचा हुआ, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना जो एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लासेस आपको वो दी जा रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कंप्लीट सिलेबस, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया जा रहा है। सो अगर वो स्टूडेंट जो बीए की अगर तैयारी करें तो यहाँ पे व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं, क्लासेस में इनरोल करवाइए, बहुत ही समय कम बचा हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पहुँचने की ड्रीम रखे हुए हैं तो। चलिएगा, अब आगे हम बात करते हैं आपसे बीकॉम को लेकर। देखिए, अगर आपसे मैं बीकॉम की बात करूं तो आगे बीकॉम के स्टूडेंट्स कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं जैसे आप आसानी से इंटरेस्ट क्रैक कर पाएं। सो गाइस ध्यान रखिएगा, बीकॉम के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, मैं बहुत ही क्लैरिटी करता हूँ अगर मैं बीकॉम की बात करूँ। देखिए बीकॉम का अगर मैं आपसे बात करूँ तो बीकॉम के सिलेबस ऐसे तीन पार्ट्स में बांट लीजिए आप, क्लास इलेवंथ का, क्लास ट्वेल्थ का, बीकॉम का, ठीक है। अब देखिए जो रियल है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, ठीक है ना। बाकी अगर आप इस बात का अगर ट्रस्ट ना करें तो कोई भी इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ आप खुद देखोगे, अभी आप कुछ दिन बाद आपके जब एग्जामिनेशन होगा ना तब आप इन्हीं चीज़ को देखोगे, आप फिर आप कहोगे कि सोचोगे आपके सर ने सही बताया था,
तो जो मैं आपको बताऊँ ध्यान से समझिएगा, एकदम रियल चीज आपको बता रहा हूँ गाइस, ध्यान रखिएगा ठीक है ना। थोड़ा सच कड़वा होता है बट जो सच है आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं 11th की बात करूँ, 12th की बात करूँ, तो यहाँ की बुक से क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी बात नहीं है। 11th से 30% आप कोर्स मान लीजिए, 20% ले लीजिए, और 12th से 30% ले लीजिए, 30 से आप 50% ले लीजिए आप ठीक है, 12th क्लासेस से। एंड अप्रॉक्स में लगभग 20% आपका बीकॉम जो आप पढ़ने वाले हो यूजी में, लगभग 20% क्वेश्चंस वो आते हैं जो आप बीकॉम में भी पढ़ने वाले हो, आप जो आप पढ़ने वाले होते हैं आप ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, जो हम नहीं पढ़े वो क्यों आता है क्वेश्चंस? सो गाइस ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बस कुछ दिन बाद पेपर होगा, फिर आप देखिएगा वो क्वेश्चन आएंगे जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे आप, और वो वही होंगे जो आपके बीकॉम में कवर किए जाते हैं। ये रियल फैक्ट है। बाकी आप अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के, आप PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए, आप खुद देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कि बीकॉम में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या सिर्फ 11th 12th के हैं कि उसके बियॉन्ड में, आपको देखने को मिलेगा 20% क्वेश्चंस वो होते हैं जो बीकॉम में पढ़ने वाले, वो आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सो गाइस आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ध्यान रखिएगा आप, और ये कि यही वो फैक्टर्स है 20% जो एंट्रेंस होने ना होने में सबसे बड़ा प्रभाव डाल देते हैं किसी बच्चे का, ध्यान रखिएगा। जो बच्चा फोकस करता है इन चीज़ों को वो एंट्रेंस क्रैक करके मेन कैंपस पहुँच जाता है, क्लियर है, फाइन सर। तो सर बीकॉम में कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं? तो देखिए बीकॉम में बड़ी बात है कोई स्पेसिफिक बुक नहीं अपनी होती है। बाकी आप डी कुमार की बुक सजेस्ट ले सकते हैं आप। इन बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट 0% रहेंगे आपको, केवल और केवल देखिए जो रियल है मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। डी कुमार की जो बुक है ना आपकी, इस बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जो गाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं पहले से आपको बता देता हूँ, मतलब बाद में आप ऐसा थोड़ी सोचिएगा कि सर ने बताया नहीं था, जो कि जो चीज़ें रियल मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, जो डी कुमार्स की बुक है उसमें क्वेश्चंस तो हैं लेकिन पीछे उनके आंसर्स गलत हैं, मतलब मैक्सिमम पीछे उनके आंसर्स गलत होते हैं। तो अगर आप बुक खरीद रहे हैं डी कुमार का जिसमें क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो आप पीछे के आंसर्स को मैच नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मैक्सिमम आंसर्स होंगे मिस्टेक्स, इनके मिस्टेक्स में थोड़ी सी गलतियाँ होंगी क्वेश्चन में ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में, क्लियर। देखो जो रियल मैं आपको सामने रख रहा हूँ, बाकी आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर, क्योंकि इस बुक में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चंस उनके भी आंसर्स गलत मिलते हैं डी कुमार्स की बुक बात करूँ तो ठीक है। गाइस अब इस वीडियो को देख रहा हूँ वो स्टूडेंट जो बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस दोनों उसको कि बीकॉम की भी क्लासेस में चल रही है हमारी, बीकॉम का नया बैच स्टार्ट हुआ अपना, ध्यान रखिएगा इंटायर कोर्स इंटायर सिलेबस कंप्लीट, पूरे समय कम है तो इंटायर सिलेबस पूरी तरीके से पूरा बीकॉम के कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके बस इंक्वायरी कर सकते हैं, कंप्लीट इंटायर प्रिपरेशन आपकी बीकॉम की होगी, आप मेन कैंपस पहुँच पाएंगे, आप इन क्लासेस को ज्वाइन करते हो, इंटायर साल को जहाँ पे कवर किया गया हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ BSc को लेकर, अगर मैं आपसे बीएससी के बारे में बात करूं तो बीएससी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बीएससी के लिए आप क्लास 11th 12th के बुक को फोकस कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा वह भी इसमें भी सेम चीज़ अपना है, जो आप आने वाले समय में पढ़ने वाले होते हैं यूजी में उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे आता है, तो आप इसको भी आप गाइड कर सकते, आप इसको भी आप स्टडी कर करना पड़ेगा आपको, अगर आपको मेन कैंपस पहुँचना है तो ठीक है ना। चलिए तो गाइस दोनों आपको बीएससी की क्लासेस चल रही है अपने, हालांकि बीएससी की कंप्लीट कोर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहा है इस समय, टाइम कम अच्छा है अपना, तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा बीएससी में क्लासेस कौन सी चल रही हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे आपकी देखिए हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि बीएससी में कैसी क्लासेस अवेलेबल इस समय करवाई जा रही है। इसके अलावा गाइस दोनों आपको BLLB की हो गया, तो BLLB में क्या होता है, BLLB में आपका जनरल अवेयरनेस लीगल एप्टीट्यूड अपना हो गया, तो लीगल एप्टीट्यूड की पहली बात है कि आपको बुक्स नहीं मिलेंगी ठीक है ना, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने आज तक इससे पहले पढ़ा नहीं होगा। लीगल एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है, अगर BLLB का फॉर्म भर रहे हैं आप तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपने इससे पहले पढ़ाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी कोई स्पेसिफिक बुक अपनी नहीं आती है। अगर आप लीगल एप्टीट्यूड की अगर मैं आपसे बात करूँ आपके एंट्रेंस के, देखिए बुक्स तो आती हैं लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं आती हैं, आपको सिर्फ उतना चाहिए जो एंट्रेंस के लिए हमारे काम करे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए हो ठीक है, तो वो कोई स्पेसिफिक बुक यहाँ पे नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। सो वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
और अगर आपका भी ड्रीम है मेन कैंपस पहुंचना BLLB को लेकर, तो गाइस आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। BLLB को भी क्लासेस चल रही हैं, इंटायर कोर्स पूरा कंप्लीट मीन कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप इस पर व्हाट्सअप करके इसके बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर BLLB में क्लासेस में कैसे ज्वाइन करना है, इंटायर कोर्स सारा कुछ आपको कवर करवाई जा रहा है। सो वैसे थी आज की वीडियो, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में कवर करेंगे कि अगर PG के स्टूडेंट है तो आप कौन से बुक को सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से बुक आप परचेस कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आने वाले समय में और इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करता हूँ लोग साथ में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप सभी वीडियो में ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर।